हमारे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, भाई कैन वी टेक वे प्रोटीन विदाउट वर्कआउट रेस्ट डे पे, हिंदी इंग्लिश मिक्स बढ़िया है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए, जो सप्लीमेंट है वो नेचुरल चीजों से ही बनाया गया है जो कि आप रोज यूज करते हो, जैसे कि दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप प्रोटीन नहीं ले सकते, प्रोटीन जरूर ले सकते हो, बस डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करो तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं जाने चाहिए आपकी बॉडी में, तो उतना आप प्रोटीन थोड़ा सा कम करके चल सकते हो उस दिन के लिए। और भाई यहाँ पर देखिए, प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तभी आपको प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं है, नॉर्मल भी ले सकते हो, जस्ट एक प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर नीड से मतलब मेरा ये है, मान के चलिए आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन का, जिसमें से 80 ग्राम प्रोटीन तक जो आपका रॉ फूड है नेचुरल उससे ही कंज्यूम करना है, और हो सके तो 100 ग्राम ही कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग बिजी होने के कारण या फिर तो उन पर ज्यादा खिल नहीं पाते, मतलब ज्यादा वो खाना नहीं खा पाते हैं, तो लगभग 80 ग्राम प्रोटीन तक वो नॉर्मल फूड से ले सकते हैं, और बाकी का जो 20 ग्राम बच रहा है वो आप सप्लीमेंट के जरिए पूरा कर सकते हो। और यहाँ फिश ऑयल्स और मल्टी विटामिन्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, बीमार हो गए हो तब ये डॉक्टर आपको लिख के दे और तब आप ये खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे नॉर्मली ले सकते हो।